जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाभी जी, मेरे गुर्दों में पथरी क्यों होंगी? वाह, काहे नहीं होगा, बल्कि गुर्दन में पथरी तो बहुत ही छोटा बात है। आजकल तो हर दूसरे आदमी को प्रॉपर्टीज हुआ पड़ा है। अभी जो डायबिटीज कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, मधुमेह का बीमारी बहुत ही चल रहा है आजकल। अभी जी, मुझे मधुमेह क्यों होगा? बिकॉज मैं तो रेगुलर जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्रॉपर खाना खाता हूँ। कुछ भी ये सब ना ही बोलिए कि हमको ना ही होगा। चलिए, अब उदाहरण के लिए जैसे आप व्यायाम करने जाते हैं, वहाँ अगर व्यायाम करते करते आपका हार्ट फेल हो गया तो, आपका कमर का हड्डी टूट गया तो कहाँ व्यायाम करेंगे आप? हाँ, ऑफिस ओवर तो बढ़ेगा ही ना। यार भाभी जी, आज बड़ी मनहूस बातें कर रही हैं। भाभी जी, कुछ और बातें करते हैं, ये सब छोड़िए। छोड़िए से याद आया, छोड़कर तो एक दिन सबको जाना है प्रभुति जी। कहाँ जाना है? भाभी जी, आप आज कुछ बड़ी अजीब अजीब सी बातें नहीं कर रही हैं? अजीब अजीब तो ये पूरा दुनिया ही है। अजीब अजीब हादसा होता है, लोग सड़क पे मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो ट्रेडमिल पर चलते चलते वहाँ गिर कर मर जाते हैं। फिर वो अभी एक तो बहुत बड़ा महामारी अभी तो आकर गया। मरना जीना तो सब लिखा ही रहता है, सब उनके हाथ में है। चलते हैं। प्रभुति जी, इसे क्या बोल दिए? हम तो बहुत ही पते का बात बोल रहे थे। पिला भाई नारियल पाए, ऑलरेडी रेडी। अरे साहब, बड़ी जल्दी। भाभी जी नहीं आए? आज भाभी जी आई नहीं यार, इसलिए वाक पे मन नहीं लगा। अरे आ गई, देखिए भाभी जी आ गई। तिवारी जी, आज एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। क्या करें भाभी जी, आप नहीं थी ना तो थोड़ा वाक में मन नहीं लगा भाभी। मन नहीं लगा इसलिए आप नारियल का खून पी रहे हैं? भाभी जी क्या बात करें, नारियल में पानी होता है, खून कहाँ होता है? जो पीता है ना उसे खून भी पानी नजर आता है। क्या हुआ, क्या भाभी जी, सब ठीक तो है? अरे कहाँ सब ठीक है तिवारी जी, अभी आपको लगेगा कि आप एकदम ठीक हैं, थोड़ी देर में आपको दौरे पड़ने लगेंगे, आपकी आंखें चढ़ जाएंगी और मुंह से झाग निकलने लगेगा। भाभी जी ऐसी मनहूस बातें कर रहे हैं, हमें कभी दौरा वौरा नहीं पड़ा। दौरा तो कभी गर्रा पहलवान को भी नहीं पड़ा था, लेकिन एक बार पड़ा और ऐसा पड़ा कि पागल ही हो गया वो। भाभी जी, क्या दौरे वौरे की बातें लेकर बैठ गई, थोड़ी ना हटाइए, मटमटियाइए ऐसी बातों को, कुछ आज अच्छी बातें करते हैं। क्या है भाभी जी की सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में क्या है ना, हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हम बहुत तेज गति से दौड़ते हैं भाभी जी, और आपके साथ दौड़ने का तो आनंद ही कछुआर होगा। इतनी भी तेज गति से मत दौड़िएगा तिवारी जी कि ब्रेन हैमरेज हो जाए। यू नो, ब्रेन हैमरेज हो जाता है तो आप कोमा में चले जाएंगे, और कोमा में एक बार जो चले गए तो फिर कब वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, आएंगे भी या नहीं आएंगे। भाभी जी क्या हो क्या गया आपको, आप अच्छे वाले आदमी को काय कोमा में भेज रही हैं? अरे मैं क्यों भेजूंगी तिवारी जी आपको कोमा में, आप खराब सेहत भेजेगी कोमा में। नहीं नहीं, हमने हफ्ता पहले अपनी मेडिकल टेस्ट कराए थे, सारे सब एकदम नॉर्मल है। एक हफ्ता बहुत होता है तिवारी जी, लीवर और किडनी में तो ऐसे ही 2 मिनट में डैमेज हो जाती है। लेकिन भाभी जी नहीं तिवारी जी, आप अंदर पेट के अंदर घुस के तो नहीं देख के आए ना कि कहाँ क्या इन्फेक्शन चल रहा है, आपको क्या पता? नहीं भाभी जी, आज बड़ी नेगेटिव बातें कर रही है, अरे भगले तिवारी। हमारा हो गया भाभी जी, हो गया। अरे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगे। अरे It's not the end of the summertime. Oh, la, la. What else can you do? I can't wait.
मुझे फेटा निकालिए पहले आप। क्या बोल रहे थे बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ लंदन में मैंने एक सुई इधर से उधर नहीं रखी और आज तेरी बहू ने मुझे इस घर का नौकर बनाकर रखा हुआ है। अच्छा आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि आप इस घर के नौकर हैं? कम ऑन, तो कौन सी रियासत का मैं बादशाह नजर आ रहा हूँ तुझे? चाच आप इस घर के बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे सर पे साया हैं। अगर मैं इस घर का बड़ा बुजुर्ग होता ना तुम लोगों की नजर में, तो आज तू और तेरी बीवी घर का काम कर रहे होते और मैं खाट में बैठ के आराम से लस्सी पी रहा होता। चाच मैं आपका दुख महसूस कर सकता हूँ। अनु को मेरी भी कोई फीलिंग नहीं है और आपके लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। शी इज फीलिंग लेस। अगर तेरी फीलिंग का अंदाजा हो जाए ना तेरी बीवी को, तो तुझे घर से बाहर जाकर खड़ा कर देगी। अनीता जी घर पे है का? लो फीलिंग की बात की, फीलिंग हाजिर। आइए आइए भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए ना, प्लीज बैठिए ना, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज कम, प्लीज कम, ऑल इट, बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज। आओ, अनीता जी ना आई है का? नहीं भाभी जी, अनु तो नहीं है घर में, मैं और चाचा जी हैं, और चाचा जी को मैं लेमन चूसने के लिए बाहर भेज देता हूँ। काहे उनको लेमन चूसने के लिए बाहर भेज रहे हैं? एक्चुअली आप सहज महसूस नहीं करेंगी ना इनके होते हुए। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल अंडर द टेबल हैं। भाभी जी आप वो कंफर्टेबल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा चाचा जी आप प्रणाम कर रहे हैं? खुश रहो खुश रहो, जुग जुग जी मेरी बच्ची, जुग जुग जी हो। हाय दिया, ये क्या बोल दिया आप, जुग जुग जी हो? आजकल के जमाने में जुग जुग जियो का क्या अर्थ है? हाँ बताइए, जवाब दीजिए हमको। एक टू सेकंड का भी ठिकाना ना है, भरोसा ना है। सड़क पर चलते चलते इंसान मर जाता है, गाड़ियों के ऊपर से चला जाता है, बताइए। आपको एक टू बात बताएं, हमारे एक टू ताऊ थे बहुत ही तगड़े, एकदम आपके जैसे जिंदा दिल इंसान थे। तो क्या हुआ उनका? एक बार ना उसे एक ही बगारने के चक्कर में आम के पेड़ पर चढ़ गए। आम के पेड़ पे मैं भी बहुत चढ़ा हूँ, वहाँ बैठ के आराम से आम चूसता था। वो भी बाइक करने गए थे, फिर अचानक से उनका पैर फिसला और वो टेबल गए। जिंदा है और अभी भी आम चूसते हैं। और जितना भी उनकी बॉडी में हड्डी था ना, वो चकना चूर हो गया। अब तो केवल आम चूसने वालों को दूर से देखते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।